हाय एवरीवन, सो आज हमारा टॉपिक है ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोसिस एंड ट्यूबरक्लोसिस जीन एक्सपर्ट टेस्ट। हम समझने वाले हैं जीन एक्सपर्ट टेस्ट। एक हमारे व्यूअर्स थे, उनका काफ़ी 3 से 4 वीडियोस में मैंने उनका कमेंट्स देखा था कि जीन एक्सपर्ट टेस्ट क्या है, जीन एक्सपर्ट रिपोर्ट क्या है। देखिए, एक्चुअल क्या होता है, जो जीन एक्सपर्ट रिपोर्ट है, जो टेस्ट है, वो एक DNA बेस्ड टेस्ट है। हम सारे टेस्ट के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मेडिसिंस रेजिस्टेंस यानी कि MDR एंड XDR में क्या डिफरेंस है, XDR और MDR दोनों ट्यूबरक्लोसिस में क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में हम रिफाम्पिसिन, आइसोनियाज़िड वगैरह टैबलेट्स जो मेडिसिंस हैं उनके रेजिस्टेंस के भी बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर हमें किस तरीके से कौन से ट्यूबरक्लोसिस में कौन से टेस्ट जो है वो कराने हैं। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, लास्ट तक देखिएगा। और कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप डॉक्टर नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं। मैं किसी भी चीज़ को यहाँ पर कंपेयर नहीं करूँगा। एक बात हमेशा समझ लीजिए, मेरे पास मान लीजिए एक 2000 का नोट है और एक है मेरे पास 5 रुपये का सिक्का। अगर मैं दोनों को नीचे छोड़ूंगा तो सबसे ज़्यादा आवाज़ कौन करेगा? जो चिल्लर है, राइट, यानी कि जो सिक्का है। तो मैं यहाँ किसी को गलत नहीं बता रहा, जो जिसकी माइंड है, जो जैसा सोचता है वो बता सकता है, बट एक कंपेरिजन कीजिए, 2000 का जो नोट है वो आवाज़ करेगा या 5 रुपये का या 2 रुपये का जो सिक्का होगा वो आवाज़ करेगा। तो आप समझ लीजिए, तो चिल्लड़ है क्योंकि वो 5 रुपये का है, 5 के अगर 10 सिक्के भी हम लेंगे तो एकदम से कितनी ज़्यादा आवाज़ करेंगे, तो आप वो भी समझ लीजिए। और अगर हम 1000 नोट भी अगर 2000 के लेते हैं तो वो अगर उनको छोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, यानी कि जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा वो व्यक्ति शांत होगा और ज़्यादा किसी से कुछ कहेंगे नहीं। सो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहता, जो जो समझ रहा है वो ठीक है। हो सकता है मैं 5th क्लास का स्टूडेंट हूँ, नो आइडिया, सो थैंक यू। मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ MDR, ठीक है, MDR क्या है, XDR क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, MDR यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, XDR यानी कि बहुत ज़्यादा स्थिति, यानी कि वो एक ऐसी मेडिसिन, ऐसी स्टेज में पहुँच चुका है कि वहाँ पर कोई सी भी मेडिसिन जो ट्यूबरक्लोसिस की वो वर्क नहीं कर रही है। तो यहाँ पर हम डिफरेंस समझेंगे, ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स क्या हैं वो सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए, जीन एक्सपर्ट के बारे में भी हम समझेंगे, जीन एक्सपर्ट क्या है और इसके अलावा कौन से टेस्ट हैं, एक LP टेस्ट भी होता है, लाइन प्रो टेस्ट वगैरह भी, तो ये भी हम समझने वाले। देखिए, सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस को समझते हैं, ये ट्यूबरक्लोसिस होता क्यों है, ये ट्यूबरक्लोसिस क्यों आपकी बॉडी में आया, ये ट्यूबरक्लोसिस कहाँ से आपकी बॉडी में आया, ये ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बॉडी में आपकी में क्यों बैठ के छुप कर बैठ गया, ये क्यों बाहर नहीं निकलना चाहता, क्यों हमें 6 महीने का या 12 महीने का कोर्स लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जो जो भी उनके क्रिटिक एरियाज हैं। और गवर्नमेंट में जो मेडिसिन मिलती है बहुत अच्छी मेडिसिन मिलती है, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, तो वहाँ पर गवर्नमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुत हेल्प कर रही है ऐसे लोगों की जिनको ट्यूबरक्लोसिस है। तो मैं आशा करूँगा, मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि पेशेंट्स जो भी ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड हैं वो गवर्नमेंट के पास जाएँ और वहाँ से उनका जो वो दे रहे हैं वो उनको एक्सेप्ट कीजिए। सो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ट्यूबरक्लोसिस क्यों आया। देखिए, ट्यूबरक्लोसिस का जो ऑर्गेनिज्म है वो मेनली 3 होते हैं, बोविस, लेप्री एंड ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, लेप्री और बोविस। जो बोविस होता है वो इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी बात, जो लेप्री है वो लेप्रोसी करता है, ठीक है, लेप्रोसी टाइप की डिसीज करता है। दूसरा जो माइकोबैक्टीरियम है ये पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बनाता है। तो यहाँ पर हमने तीनों को समझ लिया, तीनों ऑर्गेनिज्म है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे केवल ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम यानी कि TM की बात करेंगे, ठीक है, यानी कि हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की बात करेंगे। देखिए, जब भी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है तो पेशेंट को खांसी होगा, खांसी के साथ में उसे स्पुटम आएगा, स्पुटम, कफ और स्पुटम। देखिए, कई लोग ये नहीं जानते कफ क्या है, स्पुटम क्या है। कफ यानी कि खांसी होना, कफ का मतलब ये नहीं है कि जो बलगम बन रहा है उसे कफ नहीं कहते भैया, कफ कहते हैं, जो खांसी पेशेंट को हो रही है उसे कफ कहते हैं, सही टर्मिनोलॉजी ये है। दूसरी बात, स्पुटम क्या है, जिसे आप कहते हो कि कफ बन रहा है वो कफ नहीं है, वो है स्पुटम है, ठीक है, तो कफ विथ स्पुटम यानी कि खांसी के साथ में उसे स्पुटम भी आएगा। दूसरी बात, उसे रात में फीवर, लो ग्रेड या माइल्ड ग्रेड फीवर होगा और उसके साथ में हो सकता है नाइट में उसे स्वेटिंग भी हो और स्पेशली रात में उसको बुखार आता है जनरली, ठीक है, और उसको क्या होगा, फीवर के साथ
साथ में उसको स्वेटिंग भी होगा। अब हम बात करें नेक्स्ट आगे, वजन कम हो जाना, पेशेंट का वजन कम हो जाना, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख कम लगना, ठीक है, चेस्ट में पेन होना, सांस थोड़ा बहुत चलने फिरने पे सांस फूलना, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम अगर किसी को है तो अपने डॉक्टर से, स्पेशली ट्यूबरक्लोसिस स्पेशली डॉक्टर से आप जरूर मिलिएगा। अगर हम बात करें कि ट्रीटमेंट क्या है या MDR और HDR क्या है, तो देखिए मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस MDR, ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस यानी कि यहाँ पर जो ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिंस हैं जैसे रिफामपिसिन है, आइसोनाजाइड वगैरह है, इथमब्यूटोल वगैरह है, तो इनमें से जो रिफामपिसिन वगैरह है और जो आइसोनाजाइड वगैरह है वो रेजिस्टेंस हो चुकी है, यानी कि ये मेडिसिन अगर हम पेशेंट को देंगे तो ये मेडिसिन पेशेंट को वर्क नहीं कर रही, राइट, वर्क नहीं कर रही यानी कि वो पेशेंट उस मेडिसिन से ठीक ही नहीं होगा, उनको रिस्पॉन्स नहीं होगा। जनरली जब हम ट्यूबरक्लोसिस के मेडिसिन देते हैं पेशेंट को तो वहाँ पर वो दो से तीन हफ्ते के अंदर अंदर उसको बेटर हो जाता है, बहुत अच्छा फील करता है। ऐसी कंडीशन पेशेंट क्या करते हैं कि पेशेंट मेडिसिन लेते हैं, ठीक हो गए, 2 हफ्ते में 1 महीने में ठीक हो गए, फिर उन्होंने क्या कर दिया, मेडिसिन को बंद कर दिया। इस तरीके से अगर आप करते हो लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप करते हो तो वो पेशेंट कहाँ चला जाता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में यानी कि MDR में। अगर हम प्रॉपर तरीके से फिर भी मेडिसिन नहीं लेते तो फिर वो पेशेंट कहाँ चला जाएगा, XDR में चला जाएगा, यानी कि वो पेशेंट को कोई सी भी मेडिसिन वर्क नहीं करेगी। तो वहाँ पर सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह मिकासिन टाइप के कुछ मेडिसिन, वो एक अलग मैनेजमेंट है, लेकिन उस मैनेजमेंट को ओनली ट्यूबरक्लोसिस स्पेशली डॉक्टर ही ट्रीट करेंगे। तो आपको कहाँ जाना है, ट्यूबरक्लोसिस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास, ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट यहाँ पर कौन से कराने होते हैं। देखिए सबसे पहला होता है आपका जो नॉर्मली है AFV यानी एसिड फास्ट बेसिलाई ग्राम पॉजिटिव स्टेन वगैरह, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अलावा तो जीन एक्सपर्ट टेस्ट भी होता है। जीन एक्सपर्ट टेस्ट यानी कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, DNA बेस्ड टेस्ट है ये। DNA बेस्ड यानी कि जो आपका ऑर्गेनिज्म यानी कि जो आपका बैक्टीरिया है उसके अंदर जो जीन है उसको डिटेक्ट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये ट्यूबरक्लोसिस का है ये नहीं है, ठीक है। तो ये जीन बेस्ड टेस्ट है, तो यहाँ पर पेशेंट को कन्फर्मली पता लग जाता है मोस्टली कि ये टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस है मरीज को या नहीं है। लेकिन इसके साथ में एक प्रॉब्लम है, इसके साथ में प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली है। दूसरी प्रॉब्लम इसके साथ में ये है कि ये इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं करता है कि ये मरा हुआ है या जिंदा बैक्टीरिया है। नॉर्मली स्पुटम पल्मोनरी है, अगर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है तो स्पुटम से आप कल्चर सेंसिटिविटी करवा सकते हैं डॉक्टर की सलाह से, और इसके साथ में सेंसिटिविटी मेडिसिन जो सेंसिटिविटी है वो भी हो जाएगी, और यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का भी पता लग जाएगा कि ऑर्गेनिज्म आपका है या नहीं है। वो ऑर्गेनिज्म आपके स्पुटम में अगर पाया जाता है यानी कि पॉजिटिव है, और अगर स्पुटम में नहीं आता यानी कि वो नेगेटिव है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन, बहुत ही आशा करता हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये आप तक मैं पहुँचाने की मैं कोशिश करता रहता हूँ और कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम अगर बात करें माइक्रोस्कोपिकली, तो माइक्रोस्कोपिकली में क्या होता है, 1 लाख बैक्टीरिया कम से कम होने चाहिए पर ml में। तो 1 लाख बैक्टीरिया अगर पर ml में होंगे तो वहाँ पर वो पॉजिटिव आएगा माइक्रोस्कोपिकली, ठीक है। अगर हम बात करें मोंटेक्स टेस्ट की, तो देखिए मोंटेक्स टेस्ट में क्या होता है, PPD एक प्रोटीन होती है, प्योरीफाइड प्रोटीन होती है। इस प्रोटीन को हम 0.1 ml आर्म होती है, फ्लेक्जर आर्म होती है, वहाँ पर यानी कि इस जगह पर हम उसको इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर स्किन में, ठीक है, स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर में, और उसको हम 48 से 72 घंटे तक देखते हैं कि वो जो 5 mm का जो हमने सर्कल बनाया है उससे बढ़ रहा है या नहीं। तो अभी रिसेंटली में 15 mm तक भी आया है, 10 mm तक भी आया है, लेकिन यहाँ पर अगर 5 से 10 के बीच में अगर रहता है तो वो हो सकता है कि डाउटफुल हो, और अगर 10 तक पहुँच गया, 10 को एक्सेस कर जाता है, 10 को 10 से ज़्यादा अगर उसका घेरा रिएक्ट आता है, इसका मतलब है कि टेस्ट जो है आपका पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमने समझा ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। आई थिंक ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा।
और जो लोग चैनल पर जो कुछ कह रहे हैं उनको कहते रहने दीजिए, हम अपना काम करते रहेंगे, हमें पता है हम गलत नहीं हैं, और आप इसी तरह से सीखते रहिए, और जहाँ से भी आप सीख सकते हैं वहाँ से सीखिए। किसी की शक्ल पे नहीं जाना है, शक्ल कैसी भी हो किसी की भी, लेकिन ज्ञान जहाँ से मिलता है ज्ञान आपको लेते रहना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ कोई भी हो, मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, जहाँ से आपको अगर ज्ञान मिलता है वहाँ से ज्ञान लेते रहना चाहिए, शक्ल पर कभी मत जाइए। ट्यूबरक्लोसिस कैसे होता है? देखिए, या तो ट्यूबरक्लोसिस हो कि जैसे किसी व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस है और उसके पास में, उसके कांटेक्ट में अगर दूसरा व्यक्ति है तो वो खांस रहा है, तो वो ड्रॉपलेट्स के द्वारा भी ट्यूबरक्लोसिस जा सकता है, क्योंकि स्पुटम में तो आ ही रहा है ना, तो ड्रॉपलेट्स भी के द्वारा भी वो जा सकता है। दूसरी बात, ये हो सकता है कि वो किसी ऐसे कॉन्टैक्ट में आए हो जहाँ पर बैक्टीरिया की मात्रा ज़्यादा हो, बैक्टीरियाज की मात्रा ज़्यादा हो, तो वो इनहेलेट के द्वारा चला गया हो, ऐसी कंडीशंस के द्वारा आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। सो आई होप मैं इस वीडियो को आप समझाने में आपको सफल रहा होऊंगा। मैं फिर मिलता हूँ नई वीडियो में रिजन करके साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बनी रहिए और देखते रहिए बी योर बेस्ट डॉक्टर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।